जीरा लगाता है, कैसे हो आप सब, आए हो आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो सुबह के अभी बज रहे हैं 7:30 और मुझे बनाना है खाना, क्योंकि अंकित भाई ड्यूटी जाना है ना। तो आल की प्याज बनाऊंगी, हरी प्याज, ये वाली हरी प्याज है, तो ये बनाऊंगी आज खाने में। तो इधर मैं फिर चाय बना रही हूँ। इधर मैंने कपड़े फैला दिए भाभी के और अमित भाई के, और जो कुछ है इधर पापा जी बैठे हैं, खाना खा लिया इन्होंने। ये वाले छत पे फैला का नहीं, ये शाम के टाइम धोए थे ना। साढ़े सात बज लिए, तो इनके ना मैं नीचे फैला देती हूँ कि ऊपर ना फिर आज का साथ आया चढ़ने उतारने में दोपहर में, तो इसलिए यहाँ पर फैला दिया मैंने। धूप आवेगी अच्छी यहाँ पर। भाभी की साड़ी है ये, हल्की हल्की सी पहन लेते हैं अंदर घर में, कि बारी बारी तो पहन नहीं जाते गर्मी में, तो वे ज़्यादा हैवी नहीं है, बस वही बोर्डर सा है इन पर, तो वे पहन लेते हैं हल्की हल्की सी। तो यहाँ पर पापा जी चल रहे हैं ड्यूटी पे अपनी, तो मैं भी सब्जी का कटिंग कर देती हूँ। मैं इंतजार में हूँ चाय के, मुझे ना एक कप चाय जरूर चाहिए सुबह के टाइम नहाने से पहले, मुझे आदत पड़ रही है सुबह को चाय पीने की। ज़्यादा ना मिला एक कप चाय मिल जाए वो भी बहुत है मेरे लिए। तो चलो अभी चाय पी लेते हैं, नाल का सब उतारने का नहीं। भाभी ने खाना बना दिया था पापा जी के लिए, मुठ्ठी आज लिया रोटी दी 6:30 बजे, और भाभी उठ जाते हैं सुबह 6 बजे 5:30 बजे, तो आज इन्होंने बनाया है खाना पापा जी के लिए। ऐसा तो रोज में बना देती थी, कोई करेले की सब्जी रखी थी तो रोटियाँ सेक देती थी इन्होंने। अभी भी पूजा करने के लिए जा रही नीचे, तो चलो बस ये वाली सब्जी बची थी रात की करेले की, तो मैं भाई खा लेगा कोई सा। अच्छे बन रहे थे करेले, और मुझे अचार बनाना है मिर्ची वाला, ये वाला पापा जी लाए थे ये रात शाम के टाइम जब ड्यूटी पे आए थे ना, जब आए थे तो इनका भी अचार बनाना है। तो मैंने हरी प्याज काट दिया, आल की प्याज भी बोलते हैं और हरी प्याज भी, तो ये रह रही है, ये कल कल या परसों बना दूँ, ये बतेरी है। तो अभी भाभी ने झाड़ू लगा दिया है यहाँ पर, मैं पोछा लगा दूँ सब्जी बना के, कि वो नीचे जा रही है ना पोछा लगाने के लिए। चलो भाई चलते हैं रसोई में, खाना बना सब्जी बना देती हूँ। आटा तो बना देता सवेरे 7:15 बजे, 9:30 बज जाता है भाई। आलू की भी कटिंग कर दी मैंने, ये पता है नीचे दो रहे भाभी ने पोछा लगा दिया, और बरामदे में दो रहा है और अमित भाई भी आ नीचे ही दो दो आज अच्छी तरह से दोनों। सफाई चल रही है आज, कोई यार आ गया आज भाभी, कोई यार आ गया आज।
बंद कर देना ऐसा हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे आप सब आए हो? क्या सब अच्छे हो? और हम सब भी अच्छे हैं। तो देखिए नीचे कुछ लग गया था, ऊपर कुछ लगा रही है और अंदर चला रहा है। मैं कह दिया खाना बनाने का शौक दी है जमे। अरे यहाँ पर शौक दिया है शिवाली ने, गगन की फरमाइश थी चलाने में। क्या बात है दी? दो मिनट लेट रही है। चल छः मिनट। तो नमक वाले जमे बन चुके हैं, खा लीजिए आप भी। चटपट से दिख रहे कुछ इधर, चाय बन गई। जमे नमक वाले बना दिए हैं शिवानी ने, नाश्ता पानी कर रहे हैं। पूजा कर बैठी है, इधर दो रखे समझ के हो गया। यारी पूजा वाली चाय ढक दी, ये पूजा के जगह रखे है। आपका भी है चम्मच? दो चम्मच रखे हैं, दो ही चाय रखी। पी लो पूजा। अंकित लगन का आया है? तो फ्रेंड्स अभी 11 बज चुके हैं और हमने अभी नाश्ता किया है, आज लेट कर दिया है 11 बजे। तो चाय वो जब बनाए थे नमक की, तो चलो अभी कपड़ों पे फ्रेश भी करनी है। भाभी भी नीचे जा रही है, तो इनकी तरह बना के रखनी है कपड़ों की, ये वाले की, ये वाले, और इन पे होनी है परेश, इन वालों पे। तो ये कुर्ते पजामे और शर्ट है पापा भाई आगे, और ये है भाभी की, इन पर परेश करने इधर मेरे आए। तो दोनों मिल के कर देंगे, जल्दी हो जाएगी परेश भी, और इसके बाद में करेंगे आराम। बस सब ऐसा सारा काम निपटा दिया मैंने, हमने दोनों ने मिल के। तो अभी बस प्रेस करने जा रहे, प्रेस कर लेंगे कपड़ों पे, और इसके बाद में आराम कर लेंगे। कपड़े तो शाम के टाइम धो दूंगी। जय श्री राम। शाम का समय हो चुका है, मंदिर में कीर्तन का समय हो चुका है, तो उससे पहले शंख और घंटा बज रहा है। तो यहाँ पर बिजली के तार लाइन ख़राब हो गई थी, तो लाइन मैन भाई को बुला लिया है, अब इसकी सेटिंग कराए। शट डाउन ले रखा बिजली का, शट डाउन ले रखा, और उसके बाद ही अपने कार्य में लग रहे हैं। तो सारी लाइन आज दोबारा से बांधती हूँ, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन दिक्कत करती है यार, तो आज सारी सारी लाइन दोबारा कर दी। जय श्री राम। जय बलनाथ हर महादेव। और नीचे पूजा लग गया कड़ी बनाने में आज शाम के समय, और चूल्हे पे बनाएंगे आज कड़ी। साथ में शिवानी भी है और रसोई में है। तो 10-15 मिनट हो जाएगा तार जोड़ते जोड़ते, क्योंकि सारे मोहल्ले के तार जोड़ रहे हैं। मोहल्ले में ऐसे हैं 7-8 घर इस लाइन गई और हमारे, तो ये फूक जाते हैं बार बार। तो बस 5-1 मिनट का काम रहा था, आज से ही बढ़िया अच्छे से लगा के जाएंगे तार। जुट गई तार, फोन कर दिया बिजली घर में, लाइट आ जाएगी। मैं तो ज़्यादा खड़ा होकर देख रहा है, और लाइट आने वाली है, बस फ़ोन कर दिया है। हेलो दोस्तों, शाम का समय है, देखिए पूजा बना रही है, पकौड़ी कढ़ी बनाएंगे, कढ़ी डालेंगे पकौड़ी। दोनों नाम दो भी लग गए हैं, एक कैमरा मैन बन गए और दो भी पकौड़ी चलने लगे। दोनों की बात चल रही थी, मैंने रिकॉर्डिंग कही थी, लेकिन मैंने अपनी रिकॉर्डिंग लगा दी। फिर सुनाऊंगा शिवानी की आवाज़ आपको।
कैसे बोल रही थी, कैसे बात कर रही थी, उससे ना थोड़ा लगेगा ये। तो पूजा बना रही है पकौड़ी, कढ़ी बनाएंगे आज पकौड़ी वाली। देखिए बना दिया पकौड़ी, पकौड़ी बना दिया है, ये वाली रह रही। और इधर भाभी बना रही है चावल अंदर रसोई में। जाए चावल छोंकने की तैयारी है, और इधर पूजा पकौड़ी बना रही है। अच्छा मैदा डाला, पानी डाला, खाने का छोड़ दो। और अभी नंबर आ चुका है बाबू का। मैंने तो मना करी थी वे गोदी बना रही है। पिछा करो पानी लो। फोन बज रहा क्या? आली आली एक मिनट, आली ज्यादा तो नहीं होगी। क्या करे, ज्यादा डाल दिया। सही कह रहे, पकौड़ी देख रहे, कोई नहीं। तो बन गई है हमारी कड़ी, और कुछ ने खा भी ली, और एक दो जना रह रही बस खाए बगैर। कड़ी बन गई, अच्छा चावल भी हो गया हमारे। कड़ी चावल क्या ये वाली लटकन अच्छी लग रही है, ब्लाउज पैस ही मंगवा लेते। खाना सब हो चुका है, अंकित गगन रह गया बस, वही खा रहा है भैया। तो शिवानी ने खाना दे दिया उसको, और कुछ कपड़े हैं ये धो रहे थे भी, मशीन धो रहे भैया कपड़े धो रहे। लाइट नहीं आई तो कपड़े मशीन में थे, हाँ तो मशीन में धो रहे भैया कपड़े धोने के बाद।